हेलो नीरज, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको ऑल इंडिया 25th रैंक पे। नीरज जो कि हरियाणा पानीपत से हैं और लक्ष्य के फ्रेंड हैं, लक्ष्य ने लास्ट ईयर ऑल इंडिया 36th रैंक अचीव की थी और उसके बाद वो NIT Trichy से अभी MCA कर रहा है। तो नीरज ने उसके बाद प्लान किया, सबसे पहले नीरज ने पेनड्राइव कोर्स लिया और बाद में जब हमारा लाइव कोर्स स्टार्ट हुआ तो लाइव कोर्स से भी जुड़े। तो नीरज आपकी तो एक्चुअल में दिवाली मन गई, क्योंकि दिवाली के पहले इतनी अच्छी न्यूज आना, मतलब क्योंकि इतने टफ टाइम के बाद एक ऐसी न्यूज और वो भी दिवाली के पहले, तो कैसा फील कर रहे हो आप, क्योंकि आप सेलिब्रिटी बन गए हो? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपकी वजह से, आपकी हेल्प की वजह से मेरी जो है 25th रैंक आई है ऑल इंडिया। और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो है एक साल ड्रॉप लिया था 2019 में, मैंने NIMCET का एग्जाम दिया था, लेकिन मेरा जो है ऑल इंडिया रैंक 5100 के आसपास आया था, तो इसलिए मैंने एक साल ड्रॉप लिया। जैसा आपने कहा था कि एक साल ड्रॉप लेना नुकसान नहीं है कोई, अगर इस ड्रॉप से अगर हमारे 50 साल सुधरते हैं तो इस ड्रॉप, ये इन्वेस्टमेंट की तरह है पूरा, तो इसलिए मैंने उससे मोटिवेट हुआ और मैं ड्रॉप लिया और एक पूरी एक साल मेहनत की और आपकी हेल्प की वजह से मेरा ऑल इंडिया रैंक 25 आया। वेरी गुड नीरज, बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, लास्ट ईयर जब लक्ष्य फाइनल ईयर में था तो कई बार फाइनल ईयर वाले बच्चों के मन में एक ये रहता है शंका कि मेरा होगा कि नहीं, बहुत प्रेशर रहता है। तो क्योंकि लक्ष्य ने भी पेनड्राइव से पढ़ा था तो मैंने उसको हमेशा ही मोटिवेट किया, और वही बात आपने भी बोली अभी कि कई बार हम ऐसा मन में पाल लेते हैं कि शायद हम फाइनल के साथ नहीं कर पाए, तो आपने फाइनल के साथ उस ढंग से मेहनत नहीं की, पर आप सोचिए 5100 से 25th रैंक तक आना एक कितना लंबा सफर है, और एक साल की मेहनत अपने पूरे जीवन को बदल सकती है। तो ऐसे साल को हमें बहुत, मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट ईयर है। कई लोग जब ये बोलते हैं कि ड्रॉप लेना बेकार है या साल खराब कर देगा, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इस साल को मत बचाओ जिस साल से आपका जीवन बनने वाला है। तो मैं एक बात और जानना चाहूंगा, जब हम ड्रॉप लेते हैं, और क्योंकि ड्रॉप लेके आपने घर पे ही पढ़ाई की, भोपाल नहीं आए थे पेनड्राइव से फिर लाइव से, तो जब बच्चा ड्रॉप लेके एक बार कोचिंग आ जाता है तो इतना प्रेशर नहीं होता, पर जब घर पर रहता है तो कई बार सराउंडिंग में कई लोग बोलते हैं कि क्यों ड्रॉप ले रहे हो, ये वो, तो ये सिचुएशन फेस की कि नहीं की आपने? नहीं सर, ऐसे तो वैसे कोई बात नहीं, वैसे वो मेरे पेरेंट्स को पूरा भरोसा था मेरे ऊपर कि मैं जो है इस साल क्लियर कर सकता हूँ आसानी से, तो इसलिए जो है मैंने इस साल ड्रॉप लिया एक साल में, और मुझे भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि जैसे कि मैं आसानी से इसको जो है क्लियर कर सकता हूँ मैं, इसलिए जो है मैंने आपकी वीडियो देखी और आपसे पेन ड्राइव कोर्स मंगवाया आपसे, तो उसमें मैंने पूरी एक साल मेहनत की और ऑल इंडिया रैंक 25। बहुत ही अच्छी बात है नीरज कि आपके घर वालों का आसपास का सपोर्ट होता है। कई बार ड्रॉप में कुछ आसपास सराउंडिंग लोग होते हैं या कभी कभी फैमिली में भी कुछ लोग प्रेशर बनाते हैं, पर आपके साथ ये नहीं हुआ, और यही वजह शायद कि आप घर रह के भी बहुत खुशी से पढ़ पाए। अब मैं एक चीज बहुत पूछना चाहूंगा कि जब ये कोविड का समय आया तो इन 4 महीने में जब एग्जाम डेट चेंज होती रही, तो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर क्या असर पड़ा या आपने इसको कैसे मैनेज किया, ये मैं जानना चाहूंगा क्योंकि जूनियर ये बात जानना चाहते हैं। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि मेरी इससे ज्यादा तैयारी जो थी मई के आसपास ज्यादा तैयारी हो चुकी थी अच्छी तरह से, लेकिन जो है कोविड की वजह से जो है बहुत हालात खराब हो गए थे, तो उसकी वजह से जो है मेरा पढ़ाई में थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया था, तो इस लेकिन जो है आने NIMCET के एक मंथ पहले ही मैंने फिर खुद को संभाला और अच्छी तरह से और पूरी अच्छी तरह से तैयारी की इसकी NIMCET की, और फिर इसकी वजह से जो है मेरी ऑल इंडिया रैंक 25 आई। मैं आपकी टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा मेहनत करता था, इस पे टेस्ट इंपीटर्स की टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा मेहनत करता था, और उसी की वजह से ही मेरी जो है ऑल इंडिया रैंक 25 आई है। बिल्कुल सही बात है, आपने एक तो टेस्ट सीरीज अच्छे से दी, और एक और बात जो अभी बोली कि मई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे, बीच में पढ़ाई भले ही छोड़ी पर वो क्योंकि पढ़ चुके थे इसलिए एक महीने में कवर कर लिया। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा नीरज, जैसे इसके पहले जो 2 रैंक के बच्चों का मैंने इंटरव्यू भी लिया 7th और 8th रैंक, वो दोनों ही फ्रेशर थे, आप एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो, तो जो बच्चे फाइनल ईयर के साथ इन्होंने इस बार एग्जाम दिया और बाई चांस जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई, वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे बच्चों के लिए क्योंकि एक रोल मॉडल हो, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, इससे ये जो है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की बात है, एक अगर हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो हम जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी इतनी जितनी हमें NITs में मिलती है, इसलिए ये जो है इन्वेस्टमेंट की तरह है जिससे हमारे आने वाले 50 साल सुधरते हैं, इसलिए ड्रॉप लेने में कोई बुरी बात नहीं है, इसे हमें ड्रॉप लेना चाहिए ताकि अगर हम और हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि
हम जो है एनआईटी में जाएंगे और पूरा नेम सेट क्लियर करके जाएंगे एनआईटी में, इसलिए ड्रॉप लेने में कोई भी बुरी बात नहीं है। वेरी गुड नीरज। और देखिए एक चीज आपने देखी होगी, पिछले साल लक्ष्य की पानीपत से रैंक आई, इस बार आप लोगों में से आपके सिटी में से करीब 3-4 टॉपर निकले टॉप 100 में, और ये आने वाला समय, अब आपके वजह से आने वाले समय में और भी टॉपर्स निकलेंगे, तो एक रैंक बहुत सारी चीजों को चेंज कर देती है, नॉट ओनली हमारे फैमिली में बल्कि हमारे सराउंडिंग एरिया में, हमारी सिटी में भी। तो मैं आप सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि लाइफ में कभी भी जब करियर बना रहे हो तो बिल्कुल ये मत सोचो कि कितना टाइम लग रहा है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो वेस्टिंग टाइम नहीं है या टाइम खराब करना नहीं है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए आपके पास नीरज है, और आप में से कई लोग ये हमेशा पूछते हो कि सर क्लासरूम या ऑनलाइन, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे क्लासरूम, पढ़ाई करनी पड़ेगी। नीरज ने पूरे साल घर पर रह के पढ़ाई की, पेनड्राइव कोर्स के बाद लाइव क्लास के साथ और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई की। तो नीरज आपका नॉर्मली रूटीन लास्ट ईयर जब आपने पेनड्राइव ली थी, जब से लेके हमेशा क्या रहा, पढ़ाई करने का क्या पैटर्न रहा, कि जो क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन या घर पर पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सुबह जैसे सुबह उठते थे हम, और उसके बाद 8 बजे जो है प्रतीक सर की क्लास होती थी 8 से 9:30 तक, और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा आधा घंटा जो है हम ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती थी 11 बजे के करीब। तो वो क्लास सारी अटेंड करने के बाद जो है पूरी हम पूरी जो है मेहनत करने लग जाते थे आसानी उस मैथ्स की, और मैथ्स की जो तैयारी आपने पूरी अच्छी तरह से करवाई हमें, और रीजनिंग और कंप्यूटर जो है प्रतीक सर ने बहुत ही आसानी से, और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ या फिर भोपाल में, मेरे को पूरा अच्छा लगा था और बहुत ही अच्छा लगा आपका कोर्स ज्वाइन करके, और इसकी वजह से ही मेरी जो है ऑल इंडिया रैंक आ पाई है 25। वेरी गुड नीरज। और एक्चुअल में एक और बात है नीरज, हम लोगों ने एक चीज सबसे अच्छी रखी थी कि क्लासरूम कोर्स और ऑनलाइन कोर्स को कभी अलग अलग नहीं रखा, जो क्लासरूम है उसी को टेलीकास्ट करते थे, इसलिए वही ट्रीटमेंट वही सब चीजें आपको मिली जो किसी क्लासरूम वाले बच्चों को मिलती हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, दिवाली का सेलिब्रेशन है, ये आपकी फर्स्ट सक्सेस है, पर अब आपको जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि अब आप लोग अब आपके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों के, तो इस पे खरा उतरना, ये अभी स्टार्ट है। मैं आपको सभी को सभी बच्चों को एक ही बात बोलता, आप कॉलेज में जाके परफॉर्म करना है, कंपनी में जाके परफॉर्म करना है, अपने अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए कुछ करना है। इसी शुभकामनाओं के साथ ये सेशन एंड करूंगा। ऑल द बेस्ट बस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू।